दोस्तों अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक करके मध्य प्रदेश के सभी जिलों की मौसम की जानकारी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना, तो एक एक करके जानेंगे सभी जिलों की मौसम की जानकारी। वहीं दोस्तों अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर यानी कि पूरा नहीं देखते हो तो आप अपने यहाँ की मौसम की जानकारी बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वहीं दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो है जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों हम जानेंगे भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, रीवा, सतना, सिंधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, सागर, निवाड़ी, अनूपपुर, उमरिया और दोस्तों शहडोल, मालवा, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों की मौसम की जानकारी जानते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों आपको बता दूं जबलपुर, बैतूल और मंडला सहित 11 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी, यानी कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने वाली है। वही दोस्तों बात करें आज के घर बैठो जीतो इनाम में, तो आज का सवाल है दोस्तों कि आपकी फेवरेट जो है राजनीतिक पार्टी कौन सी है, बीजेपी है या कांग्रेस है या कौन सी और दूसरी है, हमें कमेंट करके बताइए। और कमेंट करने वाले लकी विनर को मिल सकता है 3 महीने के लिए जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। तो दोस्तों अभी भी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जगहों पर भारी बारिश होगी और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग जो है मौसम विभाग की द्वारा जो है बताया गया है कि जबलपुर, नरसिंहपुर, शिवनी, मंडला, बालाघाट, विदिशा, रायसेन जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में ज्यादातर स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा, अनूपपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, छतरपुर, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और पिछले 24 घंटों के दौरान भी जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहा, जिसके चलते सुबह के जो है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, चंबल और ग्वालियर संभागों में ज्यादातर स्थानों पर साथ ही भारी बारिश के लेकर जो है काफी ज्यादा जगहों पर मौसम बदला। वहीं दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान रेहटी में 12, ब्यावर में 10, आरोन में 9, नीमच में 8 और सीहोर, लाहार, ईशागढ़ में 7, घुघरी, कोलारस और बदनावर, चंदेरी और दोस्तों श्यामपुर में 6, इटरसी, सतवास, गुना, पिछोर और भद्रवास और सारगुंग पर और दोस्तों गाडरवाड़ा में और रावटी में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार में भारी बारिश की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के जो है मानसून सक्रिय तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून सामान्य रहा और शहडोल, रीवा, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, भोपाल और दोस्तों ग्वालियर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, इंदौर, उज्जैन एवं संभल संभागों के जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई और भारतीय मौसम विभाग की माने तो ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए जो है आगामी 24 घंटों के दौरान अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिलों में कहीं कहीं पर अति भारी बरसात होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश के 11 अन्य जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई और पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून सामान्य रहा, शहडोल, रीवा, जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद एवं ग्वालियर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, इंदौर, उज्जैन एवं चंबल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान भी जो है राज्य के सागर में और 32.4, टीकमगढ़ में 52, रायसेन 2.8, दमोह में 9, नौगांव में 23, खंडवा में 33 और मलाजखंड में 9.4, नरसिंहपुर में 9, शिवनी में 4.2, मंडला में 7, धार में 0.5, जबलपुर में 41.5, उमरिया में 31 और गुना में 16.6, शाजापुर में 3, उज्जैन में 4.6, रतलाम में 3, भोपाल में 3.8, छिंदवाड़ा में 2.2, होशंगाबाद में 7, बैतूल में 5.8, सतना में 6, रीवा में 3.8, खजुरा में 13, इंदौर में 6, ग्वालियर में 5 मिलीमीटर बरसात हुई है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आगामी 24 घंटों में अलीराजपुर, झाबुआ, धार जिलों में कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा हो सकती है और मौसम विभाग ने इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि हरदा, खंडवा, रतलाम, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह एवं छतरपुर जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जगहों पर जो है बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती घेरे में बदल गया। इस चक्रवाती घेरे की वजह से ग्वालियर, चंबल संभाग में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट है और ग्वालियर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मानसून ट्रफ लाइन जो है दिल्ली की तरफ बरसे और दोस्तों मानसून ट्रफ लाइन प्रयागराज, दिल्ली, गंगानगर एवं विस्तृत है और मानसून ट्रफ लाइन दक्षिण में ग्वालियर, चंबल संभाग में आ गए और चक्रवाती घेरे की वजह से संभाग में मानसून के बादल मेहरबान हुए हैं।
वहीं दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव का क्षेत्र बुधवार को सुबह विकसित हो गया और यहाँ पर आगे बढ़ने लगा और यह सिस्टम अति निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलेगा और यह इस सीजन का पहला सबसे मजबूती सिस्टम होगा। इस सिस्टम की वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश अति भारी बरसात के कारण और लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं पर भारी से भारी मध्यम बारिश होगी और ग्वालियर शहर में जिले में जो है 21 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में जो है अगले 5 दिनों के बीच निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने वाला है। इस सिस्टम की वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में मध्यम से भारी बारिश होगी और ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति बारिश की स्थिति बात करें तो ग्वालियर में 11% और भिंड में 19%, शिवपुरी में 0, श्योपुर में 4% माइनस में और दतिया में 8%, मुरैना में 1%। तापमान जो है 32.5 डीसी में और न्यूनतम तापमान 26.4 डीसी। और दोस्तों साथ में जब जो है अब तक कुल बारिश जो है 300 mm के 380 या 390 के mm के करीब जो है रिकॉर्ड की गई और वहीं आपको बता दूं पेरसारी में, केकेटो, हरसी और मेडीखेड़ा में जो है काफी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में जो है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा मौसम बदलेगा और भोपाल मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक बताया गया है कि मध्य प्रदेश के जो जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और साथ में नरसिंहपुर, मंडला, शिवनी, बालाघाट, विदिशा, रायसेन, हरदा और बुरहानपुर जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 जिलों में शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, आगरा, खंडवा, होशंगाबाद, राजगढ़, सीहोर, सागर, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में भारी बरसात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं जबलपुर में देर रात हो रही बारिश अगले 24 घंटों में बरसेगी और दोस्तों काफी ज्यादा जगहों पर जो है भारी से भारी बारिश होगी और पिछले 24 घंटों के दौरान भी जो मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, भोपाल, शहडोल, सागर, होशंगाबाद, रीवा, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर तथा उज्जैन संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर भारी बरसात दर्ज की गई। वहीं दोस्तों मलाजखंड में 16, पन्नागर, नारायणगंज में 12 और कुंडम में 11, बजा, गुंगरी में 10, ककनार, मोहगांव, जबलपुर, मेंदवानी में 9, बिछिया निवास, मुरैना, परसई में 8, अनूपपुर, तेंदुखेड़ा और बलदेवगढ़ में 7, कोलारस, खनियाथाना, मंडला में 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं दोस्तों आपको बता दूं भारतीय मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जगहों पर मौसम बदलेगा और भोपाल में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आपको बता दूं कई जगहों पर गर्मी के जैसे भी हालात रहेंगे लेकिन एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको जो है गर्मी से काफी ज्यादा राहत देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों भारतीय मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के कई जगहों पर मौसम बदलेगा और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में जो रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर भारी वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के अनुमान है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आगामी 24 घंटों में अलीराजपुर, झाबुआ, धार जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी और मौसम विभाग ने साथ ही येलो अलर्ट जारी करते हुए जो है खंडवा, रतलाम, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह एवं छतरपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए बताया कि आगामी 24 घंटों में भारी बरसात होगी और 11 अन्य जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। पिछले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून जो है सामान्य रहा और शहडोल, रीवा, जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद एवं ग्वालियर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, इंदौर, उज्जैन एवं चंबल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर भारी से भारी बरसात रिकॉर्ड की गई और बीते 24 घंटों के दौरान भी जो है सागर, टीकमगढ़, रायसेन, दमोह, नौगांव, खंडवा, मलाजखंड, नरसिंहपुर, शिवनी, मंडला और धार में, जबलपुर में भारी बरसात रिकॉर्ड की गई। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश के सभी जिलों का मौसम सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं? जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश में जहां पर भी रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। अगर मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में रहते तो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।